भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है, उनकी पूरी मशीनरी MHA से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30 हजारी कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस FIR में आरोपी बनाया गया है, जो FIR पिछले 2 दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30 हजारी कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस FIR की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। कल दिन भर कोर्ट मांगता रहा, 30 हजारी के कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट दिन भर दिल्ली पुलिस से मांगता रहा कि भाई FIR की कॉपी दो, FIR की कॉपी दो। कल शाम को थक हार कर जब FIR नहीं आई तो 30 हजारी के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस FIR की कॉपी लेके 30 हजारी कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये FIR बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस FIR को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो FIR पिछले 2 दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, हर टीवी चैनल को भेजी गई, हर यूट्यूबर को भेजी गई, हर अखबार को भेजी गई, हर वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई, आज भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं दे सकते, हम अक्यूज्ड को नहीं दे सकते। ये क्या दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश SHO सिविल लाइन से नहीं चल रही है, ये साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है, ये साजिश सीधा MHA से और होम मिनिस्ट्री से चल रही है। इस केस को सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो उस केस को मीडिया में चलाना हो और चाहे ये कहना हो कि हम आरोपी को FIR नहीं देंगे।